हेलो फ्रेंड्स, स्कूल की पढ़ाई शुरू होने से लेकर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने तक हम सभी ने कई बार टीचर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। ये एक ऐसा दिवस है जब बच्चों में सेलिब्रेशन को लेकर एक अलग ही उत्साह होता है। अपने टीचर को गिफ्ट देना हो, या क्लासरूम को डेकोरेट करना हो, या कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना हो इत्यादि। दोस्तों, हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं। आखिर टीचर्स डे 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के कारण को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के मौके पर हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। आपको बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के साथ साथ एक टीचर भी थे। उन्होंने 40 सालों तक टीचर के रूप में कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्रप्रेम के लिए विख्यात थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया था। टीचर्स डे मनाने के पीछे के कारण को जान लेते हैं। दोस्तों, देश में टीचर्स डे मनाने की परंपरा तब शुरू हुई जब डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में राष्ट्रपति बने और उनके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की उनसे परमिशन मांगी। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, परमिशन तभी दी जाएगी जब मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय देश भर के शिक्षकों का दिवस आयोजित करें। उसी साल यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। उसके बाद जो सिलसिला चला, पूरे देश भर के स्कूल कॉलेजों में टीचर्स डे मनाया जाने लगा। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई के पास तिरुतनी नामक एक गांव में था। वे बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर बाद में कुछ सालों बाद प्रोफेसर बने। कई भारतीय यूनिवर्सिटी की तरह कोलंबो एवं लंदन यूनिवर्सिटी ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और वे पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। सन 1949 से 1952 तक डॉक्टर राधाकृष्णन रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर भी रहे। भारत रूस की मित्रता बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा। वे 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। उसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों, 13 मई 1962 को डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने और 1967 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। वे जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ। एक बार उन्होंने कहा था, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको टीचर्स डे के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।